हेलो एवरीवन, निधि किचन रन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नौमी भोग हलवा और चने की सब्जी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी। घी मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें ले लेती हूँ 1/2 कप सूजी। सूजी को लो फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से भून लेना है। लाइट पिंक करना है हमें इसे, इसका बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो करना है हमें। सूजी हल्की सी रोस्ट हो गई है तो अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ बादाम और काजू। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सूजी के साथ ही साथ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। सूजी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। सबसे पहले हम चीनी डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार ताकि ये पानी के साथ अच्छी तरह से घुल जाए। गैस का फ्लेम अब हम हाई कर लेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना पड़े। फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे इलायची। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, इससे इसका कलर भी और अच्छा हो जाएगा। अब ये जल्दी जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो आप सूजी में पानी एडजस्ट करके ही डालें। पानी अच्छी तरह से सूख चुका है आप देख सकते हैं और अब ये बहुत ही अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी और डाल दूंगी। इसमें थोड़ी सी रिचनेस आ जाएगी और इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। आप जितना चाहे उतना इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो हलवा हमारा एकदम रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं। आपको जितना ड्राई पसंद हो आप उतना ड्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स भी और भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम बना लेते हैं हमारे मसालेदार चना, वो भी भंडारे वाले। चने बनाने के लिए हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा हुआ है। अच्छी तरह से तेल गर्म हो गया तो 1/2 टीस्पून जीरा। ये मैंने अदरक लिया है, इसको मैंने स्लाइस में कर लिया है। मिर्च हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। यहाँ पर मैंने 1 ग्रीन चिली चॉप करके ली है। अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। ये जो देसी चने होते हैं इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से सोक कर लिया है तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हमें अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से ना पक जाए। इन्हें बॉयल नहीं करना है हमें। हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 पिंच के लगभग मैंने यहाँ पर मिर्च ले ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच मैंने यहाँ पर ले लिया है हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये चने बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और माता रानी के भोग में बनाए जाते हैं। तो अच्छी तरह से भून लेंगे। कवर करके इन्हें हम पका लेते हैं जब तक कि अच्छी तरह से पक ना जाए। 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। चने हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इन्हें पकाते रहना है इसी तरह से रोस्ट करते हुए। तो आप देख सकते हैं चने बहुत ही अच्छी तरह से दब रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इनके कर लेते हैं प्लेटिंग। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह से और भी आसान रेसिपीज अपने चैनल पर लाती ही रहती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।